Talking after Irfan Khan, it is Sonali Bendre now. Yes, actor Sonali Bendre, jo hal mein hi popular TV show India ke best dramabaz mein judge nazar aayi thi, high grade ke cancer se diagnose hui hain. Yes, you are hearing us absolutely right. सोनाली बेंद्रे ने वेडनेसडे की दोपहर जब ये न्यूज शेयर की तो उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सकते में आ गए। सोनाली बेंद्रे ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत ही इमोशनल है। सोनाली बताती हैं कि लाइफ में जब आप कम एक्सपेक्ट करो, लाइफ आपको एक कर्व बॉल पे फेंक देती है। मैं रिसेंटली ही एक हाई ग्रेड कैंसर से डायग्नोस हुई हूँ जिसे आते हुए मैं नहीं देख पाई। कुछ एक पेनफुल टेस्ट हुए जिनसे पता चला कि मुझे कैंसर है। मेरी फैमिली और मेरे क्लोज फ्रेंड ने मुझ पर रिलाय किया और वो मेरा बेस्ट सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। मैं उन सब के लिए काफ़ी ब्लेस्ड और थैंकफुल फील करती हूँ। इन सब के अलावा मेरा साथ दिया डॉक्टर्स ने। फिलहाल मैं अपना इलाज न्यूयॉर्क में करवा रही हूँ। हम सब इसके लिए काफ़ी आशावादी हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कैंसर से हर एक स्टेप पर लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ खड़ी है। उनकी ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई है और उनके फैंस उनको स्पीडी रिकवरी और गेट वेल सून जैसे मैसेजेस करके सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज करण जौहर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन ने भी अपनी फीलिंग्स सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस की है। आइए आपको दिखाएं कुछ ट्वीट्स जहां पे सेलिब्रिटीज ने सोनाली को विश किया है। सोनाली बेंद्रे फिलहाल अपने हस्बैंड गोल्डी बहल और फैमिली के साथ ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क में हैं। आपको ये भी बता दें कि सोनाली बेंद्रे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के शो को जज कर रही थी, मगर एनडीटीवी के अकॉर्डिंग अब उन्होंने ये शो क्विट कर दिया है और इन्हें रिप्लेस किया है हुमा कुरैशी ने, जिसके अगले एपिसोड में विवेक और उमंग कुमार के साथ वो शो को जज करती हुई नजर आएंगी। वी जस्ट होप सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक हो और अपने स्मॉल स्क्रीन में एज अ जज वापस आकर अपनी लाइफ और एक्टिंग फिर से शुरू करें। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स अप।